अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम दो हमारे दो वो कानून भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के ही तत्वावधान में, क्योंकि जनसंख्या जो तुम लोग बढ़ा रहे हो दिन रात। हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी ममालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का, पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000, 15,000, 20,000, जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा, आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने दो बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है, एक है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31, और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला आपको भी रिज देगा, आपके बच्चों को भी रिज देगा। पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज देगा, आपके बच्चे को भी देंगे। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे आपको भी देंगे। अभी यहां अदला बदली हो जाती, पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे आपके बच्चे को भी, दूसरी आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे आपको भी देंगे। मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो यह पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे हैं, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज देंगे आपके बच्चे को भी। वो दूसरी आयत अमीरों के लिए, कि मैं चाहता हूं कि इन्हों 3-4 साल बाद मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है। ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड। और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये जरूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे, अपने वालदेन के नोबेल प्राइज मिला। तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुबहाना व ताला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14, कि मां ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टरों ने के नाते जानते होंगे कि जब मां अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अम्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुबहाना व ताला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।